सभी को मेरा नमस्ते। एक मुलाकात शालिनी के साथ और आज की हमारी गेस्ट है मेरी छोटी सी प्यारी सी एक फ्रेंड बिल्किस प्रवीण। हाय शालिनी। ये बहुत ही, आपको जितनी छोटी दिख रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप बात जब सुनोगे ना तब पता चलेगा ये आइटम बम है। हाँ बस ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन देना फटाफट। सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि आई एम लविंग माई केयरिंग माई एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर राइट नाउ एंड आस्ते आस्ते पता चले और इंट्रोडक्शन शालिनी के बारे में। बट जो इसका नाम है बिल्किस प्रवीण चटर्जी, तो शी इज अ मुस्लिम एंड शी मैरिड टू ए बंगाली गाय। सो ये कैसे हुआ? तो ये मेरे इंट्रोडक्शन में भी ये बात आ जाती है। सो आई वॉज बिल्किस प्रवीण सिक्स ईयर्स बैक एंड आई यूज टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल बैंक जहाँ पे मिस्टर चटर्जी मेरे को मिले और हमारे ही आंखों आंखों में कुछ हो गया एंड वी फेल इन लव। चार साल बाद वी डिसाइडेड टू मैरी एंड उसके बाद अभी आई एम हैप्पीली मैरिड सिंस लास्ट सिक्स ईयर्स। टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड फैमिली ब्लेसिंग्स, सबके रजामंदी से शादी हुई एंड देन उसके बाद बहुत सारे चेंजेस होते गए। हेंस बिल्किस प्रवीण बैंकर इज नाउ बिल्किस प्रवीण चटर्जी समथिंग एल्स। तो तुम ये बताओ, तुम तो पहले जॉब कर रही थी, अब जॉब से ही ग्लैमर वर्ल्ड में आ गई है। ये अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी पूरा इंट्रोडक्शन दी गई है, ये धीरे धीरे बताइए। मैं बताई हूँ ये आइटम बम है। तो तुम बताओ कि ग्लैमर वर्ल्ड में कैसे है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला आई वॉज वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल बैंक। सो 11 साल काम करने के बाद और शादी को 3 साल हो गए थे, अभी थोड़ा लाइफ भी मोनोटोनस हो गया था, कुछ और भी करना था और समहाउ मेरे अंदर कुछ बहुत सारे एनर्जीज थे जिसको मेरे को निकालना था, कुछ और नया नया करना था। इसमें बहुत मेजर पार्ट मेरे हस्बैंड का रहा है, अगर वो नहीं होते तो आज हम जो नहीं बिल्किस प्रवीण चटर्जी है नहीं। So one fine day, I participated in a very big beauty pageant of Kolkata. Okay. कुछ जगह मैंने auditions पहले दिए थे, but because of my height, I was rejected. I'm just 5 feet. Okay. And उस समय bank में काम करने की वजह से उतना ध्यान नहीं देना होता था कि looks पे, body maintenance पे, उतना कुछ। लेकिन by luckily there was a kind of a beauty pageant जहाँ पे I got through and I was one of the title winners. Wow. तो तुमको ये नहीं लगा कि तुम्हारा हाइट जस्ट 5 feet है तो तुम फिर भी पार्टिसिपेट कर लिए? तुम वो नहीं सोची कि मेरा हाइट कम है तो मे बी मैं बहुत शॉर्ट हाइट भी हूँ, तो मुझे लाइक समथिंग एक होता ना कि हाइट की वजह से बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, तो डिड यू फील दैट वो फियरनेस था कि हाइट को लेकर? ऑनेस्टली स्पीकिंग हम एक जगह सेटल थे काम को। Okay. मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे को करियर लेना है, ये करना है, लेकिन मेरे को ये करना था कि कुछ अलग कुछ अब जिंदगी में करना है, नॉट सेल्फ फॉर्म। जब हम रिजेक्ट हुए बहुत से रिलेशन में जहाँ पे मिनिमम 5'7" 5'8" की लड़कियाँ कोलकाता बट देयर प्रोफेशनल मॉडल्स, उनको करियर बनाना है। लेकिन जब हम ऑडिशन में जाते थे वहाँ पे बहुत ऐसे लोग होते थे जो दूर से देखो तो बड़ी सुंदर है लेकिन यार हार्ट जिसको बोलता ना हार्ट बड़ा नहीं था, सोच बड़ी नहीं थी। जिसकी वजह से आई ऑल्सो फेस मेनी इशूज जिन लोगों को बाद में धीरे पता चले जस्ट द आउटर ब्यूटी विच डज नॉट काम फॉर एग्जैक्टली। एंड सर आई विल गिव इट अ ट्राई एंड आई क्रिएट समथिंग फॉर पीपल टू इट्स नॉट ओनली आउटर ब्यूटी बट ओवरऑल ब्यूटी। सो हेंस आई मूव्ड अहेड, आई पार्टिसिपेटेड एंड देयर वर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द कॉन्टेस्ट जहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया एंड यू आई वाज वन ऑफ द टाइटल विनर्स। उसके बाद से देयर इज नो वेरी नाइस। So guys, I just wanted to tell all the ladies कि आप अपने आप को प्लीज़ अंडरस्टिमेट मत करो, चाहे वो हाइट को लेके हो, कॉम्प्लेक्शन को लेके हो, वॉट एवर कोई रीज़न हो, डोंट मेक योर सेल्फ अंडरस्टिमेट। तुम जस्ट फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ लाइक हर, उसके बाद का जर्नी फिर शी विल कंटिन्यू लाइक उसके बाद फिर वॉट यू डन। उसके बाद क्या हुआ, सिंस हम जॉब को रिजाइन कर चुके थे उसके बाद आई वॉन्टेड टू परस्यू फुल टाइम इनटू दिस। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना कंपनी फॉर्म किया। I have a private limited company which is called Parveen and Chatterjee OTC Private Limited because I am proud of being a Parveen and Chatterjee at the same time. So बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम मुस्लिम हो, बंगाली से शादी की हो, ये हो, but I am proud of the fact my husband accepted me the way I am and he accepted and supported me in my new journey. So
आफ्टर फॉर्मिंग दिस कंपनी आई सेट अप माय ओन स्टूडियो जहाँ पे दे यूज्ड टू ग्रूम एंड ट्रेन द काइंड ऑफ वुमेन हो सकता है जो शुरू शुरू में नहीं कर पाए अर्ली एज में नहीं कर पाए शॉर्ट हाइट की वजह से डल स्किन की वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं कि मेरे को शौक या लाइफ में कभी एक बार करना हो सकता है मॉडल्स ना बने लेकिन जिंदगी में एक बार हर लड़की चाहती है कि वो सबसे सुंदर स्टेज पे जाना चाहती है पर सब वो कोई रीजन की वजह से लोग नहीं जा पाते यस वो जो वो पाथ फाइंडर नहीं मिलता है लोगों को तो प्लेटफॉर्म तुम शी क्रिएटेड अ वन ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म लाइक किसी भी एज के किसी भी हाइट के किसी भी कॉम्प्लेक्शन के डजंट मैटर और इसकी वजह से काफ़ी लेडीज को अपॉर्चुनिटी दे रही है स्टेज फेयरनेस खत्म भी करवा रही है और लोग को ऐसा ग्रूम कर रही है माय गॉड आई सॉ मैं भी इस लास्ट मंथ इसके ब्यूटी पेजेंट जो था फेस ऑफ बंगाल एंड आई वाज अ जूरी और मैं देखी जो स्टार्टिंग में जो गर्ल्स आई हुई थी और जब वो विनर जब बन के गई क्या जो चेंजेस आ रहा ना इट वाज फैंटास्टिक फैबुलस और ये इसका ये सेकेंड सीजन था ना ये सेकेंड सीजन है और मैं आशा करती हूँ और रियली गिव हर अ वेरी गुड लक कि कंटिन्यू रहे हर एक साल और जितनी भी लेडीज को आज देख रही है तो प्लीज़ आपको पार्टिसिपेट करना हो तो नेक्स्ट ईयर फेस ऑफ वेस्ट बंगाल में ज़रूर पार्टिसिपेट करें ऑडिशन में एंड पीएनसी फेस ऑफ वेस्ट बंगाल इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ड्रीमर्स हु कैन बिकम अचीवर्स एंड वी क्रिएट रोल मॉडल्स एंड नॉट मॉडल्स एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी दैट शालिनी वाज देयर विद मी इन द सीजन 2 एंड शी विल ऑलवेज बी विद मी डेफिनेटली इन ऑल सीजंस टू कम एंड वी विल कम आउट विद मोर विनर्स एंड अचीवर्स एंड गिव्स मी इमेंस प्लेजर जब मैंने घूम करके 3 महीने के बाद कुछ लड़कियों को जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा बहुत और जूरी ने देखा खुद इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू आई थॉट कि शायद मैं बहुत लेट हो गया रियलाइज करने में कि हम कुछ और भी कर सकते हैं जो हम आज मैं जो देख रहे हैं कह सकते हैं कोई बात नहीं जब जाओ तब सबेगा एकदम सो गाइस विल स्टार्ट द ऑडिशंस फॉर सीजन 3 इमीडिएटली मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे And you might see, you know, auditions coming soon. So do follow us on our Facebook page. If you follow Shalini, you will automatically get connected to me because she's really a wonderful person. And pata nahi tha ki hum kaam ke silsile mein judenge aur itne se dono mil jayenge. We very very quickly we connected by heart, no? Yes, very very true. Maine bahut kam hi hota hai ki kaam ke silsile mein milti you connect to heart and you understand ki kya ek dusre ke andar hai. पहले ये बताओ कि हमारे जो इंडिया में जितनी लेडीज हैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहती जिसकी वजह से हम चाहती कि कुछ वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आए तुम्हारा क्या एक है अपना थिंकिंग आई फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन वर्ल्ड इज अ माइटी ओशन लेकिन मेरा जो स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन यही रहेगा कि बी इट वुमेन और मैन लेट्स नॉट बी लिमिटेड टू मैन ओनली वुमेन ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए चाहे कोई भी काम कर रही है वाइफ भी हो सिंपल अगर आप घर वाइफ भी हो यू शुड हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्योरिटी इन योर हार्ट जब जो भी करोगे चाहे आप बैंकर हो हाउस वाइफ हो या मॉडल हो ईमानदारी से करना खुद भी क्लीनलीनेस से करना उसके बाद अगर आप किसी और के लिए कर सकते हो जैसे मैंने 5 feet हाइट था इसलिए हम बहुत जगह पार्टिसिपेट नहीं कर पाए बहुत जगह जीत नहीं पाए तो मैंने अपना पेजेंट भी बनाया ताकि लोग पार्टिसिपेट करें उसके बाद और भी लोग जुड़ते हैं और तरीके से जिनको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है लोग नहीं जान पाते हैं वो आते हैं दोस्त बनाते हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है तो अगर आप कर सकते हो डू इट हर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकता लेकिन दोस्त बना सकते हैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें और पीएनसी जैसे लोगों से एसोसिएट डेफिनेटली हो रिमेंबर आई एम अ कंपनी शालिनी इंडिविजुअल लेकिन आज The feeling I am getting, Shalini is doing is more than what I get in my campaign. That she is able to, you know, share my journey with so many people out there. And the journey will continue. PLC started in 2019. We have done about 7 to 8 company projects already. Now we are going on Bengali calendar. We are now trying to deep dig within women and kids, who we will groom. ताकि वो बाहर जब दुनिया में जाए तो किसी भी करियर में जाए लेकिन कॉन्फिडेंस जाए बहुत बहुत
में बात करना आना चाहिए, लोगों से मिलना आना चाहिए, क्योंकि करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई मॉडल नहीं बन सकता, लेकिन अगर शुरुआत से अगर आपको जज करना आता हो लोगों को, आपको जानते आप क्या करने चाहिए नहीं करने चाहिए, वो इस सारी चीज़ों में ग्रूमिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ग्रूमिंग स्टार्ट से खूब देता मदर, एग्जैक्टली मदर स्टार्ट करते हैं, वो मदर बी इन द बी आर मदर। तो हमें कभी नहीं पता कि ग्रूमिंग क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल यू गाइस कैन जॉइन अस इफ यू वांट फुल फ्लेज्ड ग्रूमिंग एंड एट द सेम टाइम स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड मेक गुड फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीटा, थैंक यू मैम। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स यस और इनबॉक्स के नीचे इसका अटैच रहेगा लिंक, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर और आप पार्टिसिपेट करने के लिए आप ऑडिशन दे सकते हो। यस, वी आर स्टार्टिंग द सीजन 3 ऑडिशन सून। मे बी आप भी हो सकते हो मिस फेस ऑफ वेस्ट बंगाल और शालिनी लेगम्स का इंटरव्यू नेक्स्ट हो सकता है। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।